सब्सक्राइब कीजिए वाराणसी आज़ादारी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। लोगों अल्लाह एक है, भाई क्या उनसे मुखातिब हो कि जिनको इदराक ही नहीं है। यानी अगर आम लोगों से अल्लाह कह दे कि हम एक है तो ये सदा बस सहरा हो के आवाज गुम हो जाएगी। भाई यही सबब है कि अकीदा तौहीद में भी अल्लाह ने लफ्ज कुल की सनत का सहारा लिया। लफ्ज कुल की सनत का सहारा लिया। और यहाँ कौन है ऐसा जिसे न मालूम हो कि देखिए हर खबर के दो हिस्से होते हैं। एक खबर का मतन होता है, टेक्स्ट होता है, और एक खबर की सनत होती है, नरेशन होता है। मतन ये है कि क्या कहा गया, सनत ये है कि किसने कहा। ये बाद में देखा जाता है कि क्या कहा गया, ये पहले देखा जाता है कि कहने वाले का व्यवहार कैसा है। तो हो अल्लाह से आखिर तक ये है मतन तौहीद। कुल ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए ये है सनत तौहीद। और अगर सनत कमजोर हो तो मतन खबर भी कमजोर मानी जाती है। नकल और तकलीफ में एक कलमा शहादत जारी है।
अब समझ में आया कि जिसके एतबार पर उसकी तकलीद में दायरे इस्लाम में आए हो, उसके एतबार पर कभी भूले से भी शक्ल न करना। इसलिए जब उसी का एतबार तो ही तो संभाले हैं। तो मालूम ये हुआ कि शहादत की मंजिल में हर एक की हैसियत नहीं है अल्लाह ने शहादत मांगी, न किसी से ये डिमांड की कि तुम तस्दीक करो कि हम एक हैं। उसने कभी बराह रास्त तौहीद को मनवाया ही नहीं, वसीलों से तौहीद भी मनवाई है। जिनको वसीला शिर्क लगता है दुआ वगैरह में, वो सूरह तौहीद से लफ्ज पुल का वसीला हटा के तो देखे। उसने तौहीद तुमको दी ही नहीं है बराह रास्त, तो मरने के बराह रास्त कैसे? और जो है कि नहीं है, इसका मतलब यह है कि तौहीद का एतबार है लफ्ज़े कुल, एतबार है मोहम्मद। तो अब हमें यह नहीं देखना है कि कौन सा अकीदा है, यह देखना है कि किसकी शख्सियत के एतबार पे अकीदा उस्तवार है। तो तौहीद को एतबार है मोहम्मद पे मानने वालों, ये याद रहे कि जो लफ्ज़े कुल तौहीद से पहले है वही लफ्ज़े कुल आर्या है मवद्दत अगले रसालत में भी है। शहादत किसी आम इंसान से मांगी, उसके नजदीक उसके महरमान खलवत, उसके हाशिए मशीयत, उसके मुनिसो हमदमे तन्हाइए मशीयत, कुछ खास राजदार बंदे हैं कि जो इतने मोतबर और इस मंजिले इल्म पर हैं कि अल्लाह को फिर किसी की शहादत और गवाही की जरूरत नहीं है कि वो ये कहे कि वो एक है। उसके खास बंदे वो हक काफी है ये शहादत देने के लिए कि वो एक है। लिहाजा अल्लाह ने अपने किसी भी न अपने मनसबे तौहीद में किसी आम इंसान की शहादत मांगी, न किसी अपने इलाही मनसब में किसी आम इंसान की शहादत मांगी। एक फितरी सवाल है, जैसे चाहे इसको आप पी ले और हजम कर ले कि न अपनी तौहीद। भाई अकायद इस्लामी क्या है? तौहीद है, नबूवत है, इमामत है, कयामत है वगैरह वगैरह। किसी भी इलाही मनसब में माशाल्लाह उलमा भी है, जाकिरीन भी है, और आप कुरान भी पढ़ते हैं, आप आयते जाके फिर से एक बार एक कायराना नजर डालिएगा। किसी एक मनसब में अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम लोग गवाही दो कि फला को हमने नबी बनाया। तारीख अंबिया उठा के देख ले, किसी भी नबी के जमाने की उम्मत से अल्लाह ने उस नबी से नहीं कहलवाया कि तुम लोग शहादत दो कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। न किसी नबी ने उम्मत से शहादत और तस्दीक मांगी, अहम उम्मती से नहीं कहा कि तस्दीक करो। तवज्जो है कि नहीं है? और अगर इशारों में कभी ऐलान किया भी है तो ये नहीं कहा कि तुम शहादत दो, तुम शहादत दो। उसी के एतबारे इल्म पर छोड़ दिया कि जो हम मंजिले शहादत पर किसी एक नबी और किसी एक रसूल ने अपनी उम्मत से ये नहीं कहा कि तुम गवाही दो, तुम शहादत दो कि हम अल्लाह के नबी है, हम अल्लाह के रसूल है। किसी एक इमाम ने उम्मत से नहीं कहा कि तुम ये तस्दीक करो कि हमें अल्लाह ने नबी बनाया है। मैं बहुत बेदार तवज्जो का तालिब हूँ। एक आयत भी ऐसी नहीं है, एक रिवायत भी ऐसी नहीं है। अल्लाह ने न अपने मनसब के लिए आम इंसानों से तस्दीक मांगी, न अपनी तरफ से दिए हुए मनसबों में आम इंसानों और नबियों की उम्मतों से शहादत मांगी। इसलिए कि मंजिले
शहादत पर जो नहीं होगा उससे शहादत मांगी कैसे जाए। बेदार है कि नहीं है। हत्या के आतिमुल अंबिया सरदार मुरसलीन उनके भी मनसबे रसालत और नबूवत पर जब दावत सुकाशीरा हुई तो पैगंबर ने किसी से यह नहीं कहा कि तस्दीक कर दो। क्या सुन रहे हैं? तो है नहीं है। किसी एक से नहीं कहा कि तुम ये शहादत दे दो कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। और तीन दिन गुजर गए कोई एक खड़ा भी ना हुआ जो ये कहता कि हमें इल्म है कि आप अल्लाह के नबी हैं। दुनिया को शिकवा है कि सुनाशीरा में आए हुए मुशरकीन ने तीन दिन दावतें खाके भी तस्दीक रसालत न की। बड़े जाहिल थे मगर मेरा नजरिया बराक्स है। अगर वो तस्दीक रसालत अली के अलावा कोई और कर देता तो मैं कहता कि बड़े जाहिल थे। तुम्हें मालूम कैसे कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबी बनाया है? वजह ये है तुम तस्दीक जब करते जब यहाँ नबी बनाया होता। अहलियत न हो या न रह जाए,
मनसबों पे कब्जा करने से पहले मनसब का मनसब नहीं छिन जाना और ईमान ला ला के मुकर जाना और तकदीर करने से मनसब वाला गैर मोतबर नहीं होता। वो खुद जो पहले ईमान लाया था अहलियत का वो गैर मोतबर होता है, माजी मस्तूक हो जाता है हाल की हरकतों से। माजी मस्तूक हो जाता है हाल की हरकतों से, लिहाजा अल्लाह जो है वो तसल्ली अपने रसूल आखिरी रसूल सैयद मुरसलीन से कह रहा है। यकूल नजीर फरूर लस्ता मुसला, ये काफिर कहते हैं कि यार रसूल रसूल कुछ नहीं, और इनसे कह दीजिए मैं कमाल एतबा कफा बिल्ला है शहीदन बैनी व बैनकुम, तुम्हारी औकात बस ये है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरे मनसबे रिसालत के लिए काफी है एक वो के जो अल्लाह है और एक वो है जो आलिम आलम किताब। नहीं, ये शहादत की मंजिल इतनी बुलंद है निगाहे खुदा में भी, निगाहे नबी में भी और खुद निगाहे अली में भी। इस शहीद होने की मंजिल जानते हैं कितनी बुलंद है? रवायात तो मैंने पढ़ा, आप बताइए कि आपके जहन में अपने मौला के फजाइल के सिलसिले में एक फहरिस्त होगी और यकीनन मुख्तलिफ राय होगी हम लोगों की मवालियों की कि आपके मौला की कौन सी फजीलत आपको सबसे बड़ी लगती है। कोई कहेगा कब्जे पर हवा अंतर, कोई कहेगा कल्याण बाबे खैबर, कोई कहेगा खंदक में हम उनके सर पे सरदर, कोई कहेगा हालत नमाज और खुशू और खुशू में तीर निकाला जाना और तन को खबर न हो, कोई कहेगा शबे हिजरत से रसूलुल्लाह पे लेट के मर्जी खुदा का खरीदार हो जाना। यकीनन अली की तो हर फजीलत बड़ी है, हम बस उसको बड़ी कह के जरा सा चहकने लगते हैं जो हमारे समझ में आ जाए। तो बनाए जो हमें समझ में आ जाए हम कहते हैं क्या कहना है तिबला। हकीकत यह है कि तिबला के नुकते की तारीफ नहीं है, अपनी समझ की तारीफ है कि हम समझ गए। तो ऐसी दावों का क्या कोई वजन ले, वाह वाह
सैल्यूट करके तुम्हें तौहीद की तलछट पे ला दी। और ये बसने बेला और मजलिस में आपकी तरफ अंगेजिया और आपके नारे और आपके दुरूद ये इस बात की दलील है कि आप कहते हैं अरे मेरे साथी ये तो है मेरे मैखाने तौहीद के साथी है महवस आके हमारी बज़्म में दे असला वो अरहम के तवील तरीन सदियों का सफर करने के बाद भी जो यौम अलस्त तेरी शराब वेला पी थी इतने तवील सफर के बाद भी आके साकी थे न दिल भरा न नशा उतरा न हो क्या खोला। हम वो बेलक्कम नहीं है जो 1,25,000 के मजमे में समाज के तकल्लुफ और मुरव्वत में छिछले सर्फ के पीने वाले नहीं है हमें एक जाम से दिल नहीं भरा है 13 जाम पी चुके हैं 14 में जाएंगे। करीब हूँ ये नहीं कहा कि बंदे मुझसे करीब है।
जहल को वैसा ही है कि कहते हैं ये शराबे तौहीदी इब्लीसी के परस्तार के रसूलुल्लाह हमारे जैसे थे, जो यहाँ तक मानते हैं भाई मोहम्मद तुम्हारे जैसे थे मगर तुम मोहम्मद जैसे नहीं हो। मान लो अल्लाह हमसे करीब है, हम अल्लाह से करीब थोड़ी ना है, तो फिर वो क्या शहादत मांगे जो करीब ही नहीं है। उन्होंने सब तौहीद की गवाही और शहादत मांगी, न नबूवतों की नबियों की नबूवतें और रसूलों की रिसालतों की शहादतें आम अफराद उम्मत से मांगी। कोई न कोई शहादत का मोतबर इंतजाम हर नबी और हर रसूल के लिए किया, इब्तदाई मनसब में भी किया, चलते चलाते भी। और वही तो शहीद को अपॉइंट करके गया कि अगला ये है जिसने शुरू में शहादत दी थी, अब मैं उसके शुरू में शहादत दे रहा हूं जाने से पहले। तवज्जो है कि नहीं है? यहां तक कि खातिमुल अंबिया की रिसालत की बात आई तो अल्लाह ने कहा हम काफी हैं शहादत के लिए, और वो अली के जो आलम अल किताब है। अब पैगंबर चल रहे हैं, जा रहे हैं, और अगले निजाम हिदायत के लिए अगले हादी जो बशकले इमाम है अली, अब उसकी गवाही चाहिए कि वो इमाम है, अल्लाह ने उसे इमाम बनाया। तवज्जो है कि नहीं है? भाई तौहीद की गवाही मोहम्मद ने दी, कुल हुवल्लाह गवाह, उलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुफ्लिहू गवाह। रसालत की गवाही मोहम्मद की, रसालत की गवाही अली ने दी, मन इंदहू इल्मुल किताब। पैगंबर चलने लगे तो चलते चलाते हिज्जतुल विदा के बाद मैदाने गदीर में मेंबर बनवा कर मन कुल वो मौला हो फहासा अली मौला, ये अली की इमामत और विलायत की गवाही दे दी। तवज्जो है कि नहीं है? मैंने अर्ज किया कि ये सारे कलमे तकलीदी है, सारी दुनिया का इंसान जो कलमे तो ही पढ़े, ये तकलीद मोहम्मद है। मेरी मेहनत कहां से मिला? कहां मोहम्मद की तकलीद में ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अशहदु अन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा कहां से मिला? अरे अली ने ये शहादत दी है तो सारी दुनिया का मुसलमान मुसलमान बना ही जब है, जब तकलीद अली की है। बच्चों है कि नहीं है? भाई तीन कलमे हमें मिले, मोहम्मद ने दिया तो ईद का कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अली ने दिया रिसालत का कलमा अशहदु अन मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी तकलीद मोहम्मद ने दिया विलायत का कलमा अशहदु अन अली वलीउल्लाह। कितना अहमक है मुसलमान के अली के कलमे की तो आज तक तकलीफ कर रहा है, मोहम्मद के कलमे किया है, आपने कलमे में डंडी मार दी।
भी हर सर उतरे किसी के, तो कम से कम कुरान में आके दे दे, देख ले कि तौहीद अल्लाह को कबूल ही नहीं है जब तक के मोतबर निस्बतों की गवाहियां ना हो। भाई उलमा के लिए तस्वीर थोड़ी मैं कर रहा हूँ, आप तो मुझसे पहले पहुंच गए, तो अपने जवानों के लिए याद कर रहा हूँ। भाई दरबारे फिरौन का सारा वाकया याद है कि नहीं याद है? उसमें मैं वही बात निकालना चाह रहा हूँ दो जुमलों में, जो इस वक्त से जो मजबूत है। साहिर मानने को तैयार नहीं फिरौन जो है वो अब खुद साख्ता तख्ते उलूहियत पे बैठा हुआ इलाही नशे में अना रब्बो को मनाना। मूसा हारून की बात अभी मानने को तैयार नहीं। ना तुम लोग जादूगर हो, बहुशरण हस्सहारा साहिरों को बुलाया गया मदाइन से, साहिर खड़े हैं मूसा और हारून खड़े हैं अल्लाह के दो मरतबा नुमाइंदे, वो अपने तख्ते हुकूमत पे बैठा हुआ है, गुफ्तगू हो रही है, यहाँ तक कि आप मुकाबलेबाजी शुरू हुई। कुरान में सारे वाकया कई जगह मौजूद है और ये वाकया हजरत मूसा के हवाले से कई जगह है। मामला क्योंकि तौहीद का है, कुरान जो है वो किताब तौहीद है इंसान के लिए। अब वहां पर मुकाबला शुरू हुआ, उन्होंने कहा साहिरों ने कि तुम जानोगे अपने अपना कर्तव्य दिखाओगे या हम? मूसा ने कहा बल अंतुम मुल्कून, तुम लोग अपनी हसरतें निकाल लो, डाल लो जो डालता है, तुम अपनी हसरतें निकालो, कर्तव्य निकालो। और उन्होंने अपने डंडे और रस्सियां जो लेकर आए थे वो उन्होंने दरबारे फिरौन में जाले सारे उनके डंडे, साहिरों के डंडे और उनकी रस्सियां अजदहों में बदल के दरबारे फिरौन एक बहरे मकबा सांपों का लहरे लेता हुआ दरिया, और उधर से हॉटलाइन पे अल्लाह ने कहा या मूसा अल्ले माफी ये भी नहीं आता खुल्ला सबसे बड़ा अजदहा सोबान बन गया। क्या काफिये का मजा है, ये काफिये भी बड़े अजीब है, तवज्जो का तालिम हो। और वो आसा है मूसा बड़ा सा अजदहा बन के और उनकी कर्तव्यों को एक एक करके निगलने लगा, यहाँ तक कि अब कुछ न बचा दरबारे फिरौन ने। और वो जो है फिरौन अंगुश परंदा है और हैरत में है और सारे काबे हुकूमत का नशा हरण होने लगा कि साहिर वो अल्लाह के मोतबर नुमाइंदे कमाल एतबार और इत्मीनान से खड़े हुए हैं, क्योंकि राबेता किससे है वो कल्बे मुस्तर को संभाले हुए है। Oh
के ये तौहीद मिली कहां से? फौरन कहा कौन रब्बुल आलमीन? जो मूसा और हारून का रब है, वजहदार है कि नहीं है? अल्लाह के दो मोतबर नुमाइंदों से साहिरों ने तौहीद के अकीदे की निस्बत दे के ये बता दिया। तवज्जो, अगर ये जादूगर रब्बुल आलमीन पे सज्दे में कहकर ठहर के सज्दे से सर उठा लेते तो कल फिरौन इसी तौहीद खालिस में शिर्क मिलाता। मोहम्मद है, रब्बे अली है, रब्बे फातिमा है, रब्बे हसन है, रब्बे हुसैन है। तो अब इन नस्बतों से शिर्क नहीं होता बल्कि ये हमारा ऐलान तौहीद है। तो मालूम ये हुआ कि सारे मनसबों के लिए अल्लाह ने शहादत नहीं मांगी, न अपना मनसब तौहीद, न मनसब नबूवत, न मनसब रिसालत, न मनसब इमामत। ये जितनी भी शहादात है, मोटी मोटी तीन शहादात, बाकी जितनी भी शहादात अकायद से मुतालिक है, जो कल तकदीर में होती है, जो शहादत नामे पे होती है, हम ये तो शहादत दे सकते हैं कि मेरे सामने बजाहिर वो मैं मरा, मगर हम ये नहीं शहादत दे सकते कि जिसकी तौहीद पे ईमान लाया था ये उसकी शहादत उसकी तौहीद का गवाह था और हम भी शहीद है। अल्लाह ने शहादत नहीं मांगी बल्कि ईमान मांगा। तवज्जो है कि नहीं है? लिहाजा ये जितनी भी शहादतें हैं ये तकलीद में है सारी शहादतें। हर नबी जो है वो खुद शहीद है अल्लाह की तौहीद का, और हर नबी अपनी उम्मत का भी बड़ा हिरास शहीद। शहादत इसलिए, देखिए बाज अल्फाज है कुरान में जो लफ्जी एतबार से और लगवी एतबार से मुतरादिफ तो नहीं है, मगर नतीजतन उनमें तरादुफ पाया जाता है। मसल लफ्ज़ यकीन है, यकीन का मतलब हरगिज मौत नहीं है, मुतवज्जे है कि नहीं है? मैं टाइम देख लू कहीं ऐसा ना हो के हमें आपकी संवाद के लहजे से लग रहा है कि टाइम हो गया। बहुत आगे नहीं ले जाना है मुझे। हर नबी बड़ा हिरास शहीद है अपनी उम्मत का। बंदगा ने खुदा के आमाल और अकायद और हरकतें, उनकी खलबत के भी आमाल का शहीद है हर नबी। और अब ये कैसे देखता है? इन जाहिरी आंखों से नहीं देखता। खुद हजरत ईसा का वाकया मौजूद है, जहां पर मुर्दों को जिंदा करना वगैरह वगैरह, वहां पे कह रहे हैं हम वो भी बता सकते हैं कि तुमने अपने घर में क्या छुपा के तरीका करके रखा है। शहीद है। कयामत में अल्लाह पूछेगा या ईसा इब्न मरियम अंत पुत्र लिल्लाह से नित्य बिदुनी व मम्मी इलाहे बिदुनिल्लाह,
ऐ सबने मरियम, क्या तुमने कहा था अपनी उम्र के लोगों से कि मुझे अल्लाह के अलावा अल्लाह के बदले मुझे और मेरी माँ को दो खुदा काबिले परस्तिश मान दो? जनाब ईसा कहेंगे, परवरदिगार अगर मैंने कहा होता तो तू तो जानता ही है, और मैं वो बात क्यों कहने लगा जिसका खुद मुझे इल्म नहीं है, जिसका मतलब तेरी तौहीद की जो गवाही वो इल्म पे दे रहा हूँ, बाकी ये जो तू कह रहा है मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि मैं अल्लाह तो शहीदन मालूम तो भी हिम, मैं उस वक्त तक गवाह हूँ इनके आमाल का जिम्मेदार जब तक इनके बीच था। जब तूने मुझे उठा लिया बुला लिया तो अब तू जो है वो रकीब है, तू जाने क्या हुआ मेरा अगला जाने में क्या हुआ, मैं वहीं तक शहीद हूँ जहां तक था। तो हर नबी अपने जमाने की उम्मत का बराहराज शहीद है, गवाह है उनके अकायद और अमल का। ये शहादतें किस लिए है? खातिमुल अंबिया की बस आखिरी बात है, दो चार मिनट। खातिमुल अंबिया खुद भी शहीद है अपनी उम्मत के, मगर अल्लाह उनकी शहादत के दो रोल और बता रहा है दो जमाने, दो आयतों में। पैगंबर का एक जॉब है उनकी अपनी विलादत बशरी से पहले, कुरान में है। एक जॉब है अपनी वफात और शहादत के बाद, विलादत से पहले एक आयत कह रही है अल्लाह इसी पैगंबर से मुखातिब होके, कैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाए शहीदा। वो कयामत का दिन है मेरे रसूल, कैसा होगा जब हर उम्मत से हम एक एक शहीद उनकी उम्मत में बराह रास्त गवाह बुलाएंगे, वजिना बिका अला हाउलाए शहीदा। और आपको इन तमाम अंबिया और मुसलीम जो शोहदा अपनी उम्मत के है, आपको इन शोहदा पर शहीद बनाएंगे, आप शहीद अला शोहदा होंगे। अपने से पहले अंबिया में शहीद है, यानी मोहम्मद फारिग नहीं है विलादत से पहले भी। हवालिम लियकून फिल आलमीन लिल आलमीन नज़ीरा, विलादत से पहले भी हर नबी उम्मत पे गवाह है, मोहम्मद नबियों की तबलीगों पे गवाह। कि कौन क्या कर रहा है, उम्मत मान रही है कि नहीं मान रही है, ये पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं, मोहम्मद गवाह। एक आया कुरान कह रहा है पिछले अंबिया में गवाही के, मतलब कि अपने विलादत बशरी से पहले का की जिम्मेदारियां है वो अदा कर चुके, अब आए सामने और एक उम्मत में जाने की गवाह। वफात और शहादत के बाद के लिए एक और है, मैं क्या आज करूं, अहम बात है मगर वक्त नहीं है मेरे पास, लिहाजा बस पहुंचा दे रहा हूं वही नवाली के साथ। अल्लाह फरमा रहा है वक्त कजा लेगा, जाल्ला को उम्मतन वसाता ले तकूनू शोहदा अलन्नास वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा। वह कजा लेगा, यानी उम्मत कुरान से अल्लाह मुखातिब है कि और उसी तरह से जैसे पिछले नबियों पे हमने इस रसूल को शहीद बनाया, वह कजा लेगा वैसे ही जअलनाकुम उम्मतन वसता, तुमको तुम कुछ लोगों को हमने दरमियानी उम्मत बनाया, ले तकून शोहदा अलन्नास, ताकि तुम अपने अपने जमाने के लोगों पर शहीद करार पाओ, वो यकून रसूलो अलैकुम शहीदा, और ये रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह करार पाए। जाहिर सारी उम्मत को गवाह अल्लाह नहीं बनाएगा, अगर सारी उम्मत का हर फर्द गवाह बन जाए तो कौन किस पर गवाह बनेगा? इसके मतलब अक्सरियत वो है जिस पर गवाही, और अकलियत वो है जो शहीद बने। ये पैगंबर के बाप के 12 अइम्मा है अपने अपने जमाने के शोहदा। भाई बात को मैंने समेटा, तवज्जो, यानी मोहम्मद अपने से पहले नबियों पे गवाह, मोहम्मद अपने बाद अइम्मा पे गवाह, दरमियान में अपनी उम्मत के डायरेक्ट शहीद पे गवाह। अब ये कयामत में जब फैसले होंगे, अवलीन आखरीन अंबिया और मुरसलीन उम्मतों के साथ जमा होंगे, और रोज़े अदले इलाही होगा, कहरे इलाही गजब पे होगा, जोश पे होगा, और उस वक्त एक एक नबी बुलाया जाएगा उसकी उम्मत के साथ। अदल का दिन है, हिसाब किताब का दिन है, सुना जाएगा क्या क्या किसने किया। उम्मत आदम से अल्लाह कहेगा क्यों ईमान न लाए काफिरों से,
वो कहेंगे कि हम तक कोई पैगाम ही न पहुंचा। कहां आदम ने पहुंचाया, कहां गए हम तक नहीं पहुंचाया। आदम से अल्लाह कहेगा कि आए आदम, क्या तुमने कभी नहीं मेरी तौहीद की, अकायद की, इस्लाम की। आदम कहेंगे परवरदिगार मैंने हद से तबलीग अदा किया और तू तो बेहतर ही जानता है। जब आदम को उम्मत आदम झुटला रही होगी तो एक मोतबर शहीद की जरूरत होगी, वह सरदार अंबिया को बुलाया जाएगा। अरे हबीब आप गवाही दे अपने बाप के लिए। अरे भाई जिसके सामने नबी बना, नबी के नूर है,
کن فنبی آدم و پیدا ہوئے بدین اس وقت کا نبی اس وقت کا گواہ ہے ہمارا جس نے صلح عشیرہ میں گواہی دی ہے وہی محشر میں گواہی دے کے محمد کو مقدمہ جتوائے گا بس ابھی لو ختم ہے رحمتیں پھر باپ کے ائمہ کی گواہیاں جب جھٹ جائیں گے ان کے زمانے کے منافقین تو پھر محمد گواہی پلٹ کے پھر وہ علی کے مشکل کشا بن جائیں گے لہذا اللہ نے اپنے ہر منصب کے لیے گواہیاں رکھی ہیں اور گواہیاں بھی خود جعل کر کے بنا کے بھیجی ہیں منصب کا چاہیے بھی وہی ہے شہدا کا چاہیے بھی وہی ہے بھائی یہی سبب ہے کہ ہر نبی کے دو دو گواہ اللہ نے رکھے ایک رکھا ناطق گواہ ایک رکھا سامد گواہ ایک بولتا گواہ ایک خاموش گواہ ایک بولتا گواہ دو جملے سن لے محبت کے ساتھ چند منٹ کے مسائل ایک بولتا گواہ رکھا ایک خاموش گواہ ایک ناطق گواہ ایک سامد گواہ آدم کا سامد گواہ صحیفہ آدم ناطق گواہ بیٹا ہبت اللہ شی سگلا نبی آگے سلسلہ بڑھتا رہا نبیوں کے صحیفے ان کی کتابیں ان کی سامد گواہ اس میں ذکر اللہ کی طرف سے کہ یہ نبی ہے ناطق گواہ اگلی حجت اگلا معصوم اگلا نبی اسی لیے پچھلا جانے نہ پائے اگلا آتا رہا بیدار ہے کہ نہیں ہے اب عیسیٰ کا گواہ توجہ اسی وقت یحییٰ بھی ہے ایک قریے میں گئے بھی ہے شہادت نبوت عیسیٰ دینے پڑھیے تاریخ انجیل سامد گواہ یحییٰ ناطق گواہ اب محمد کی رسالت کا مرحلہ آیا سامد گواہ ہے محمد کی نبوت کا قرآن ناطق گواہ ہے علی اگلا امام اب علی کے امامت کے دو گواہ ایک ناطق گواہ ایک سامد گواہ قرآن علی کی امامت کا گواہ اسی لیے صبح قیامت تک ادراک کے ساتھ قرآن کو لگایا نہیں سمجھ رہا میرا جملہ ختم ہے بات علی کی امامت کا ایک سامد گواہ قرآن ناطق گواہ اگلا حسن مصطفیٰ جب لوح محفوظ سے قرآن کی تلاوت کرے حسن کی امامت کا سامد گواہ قرآن ناطق گواہ حسین سید الشہداء حسین کی امامت کا سامد گواہ قرآن ناطق گواہ زین العابدین زین العابدین کی امامت کا سامد گواہ قرآن ناطق گواہ محمد باقر محمد باقر کی امامت کا گواہ اے سامد گواہ قرآن صاحب میں اطراف کے لگا ہے انی تاریخ الفی کو مستقل ہے سامد گواہ قرآن ناطق گواہ جعفر صادق موسیٰ کاظم کے امامت کے دو گواہ ایک سامنے قرآن ناطق علی رضا بھائی برکت کے لیے نام دہرا رہا ہوں میں تو آپ آخر تک پہنچ چکے یہ سب تو کی مجبوری ہے کہ فکر کی ہم سفر نہیں ہو سکتے علی رضا کی امامت کا ایک سامنے گواہ قرآن ناطق گواہ محمد تقی جواب محمد نبی کے امامت کا ایک سامنے گواہ قرآن ناطق گواہ علی نبی ہادی علی نبی ہادی کی امامت کے دو گواہ سامنے گواہ قرآن ناطق گواہ حسن عسکری حسن عسکری کے امامت کے دو گواہ یہی بابا دو گواہ حسن عسکری کے سامد گواہ ہے قرآن ناطق ہے ان کا بیٹا اور جب الاخر اب آخری امام کی امامت بچی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ارے سامد گواہ تو قرآن موجود ہے ایک ناطق گواہ شاید اسی لیے اللہ نے عیسیٰ کو بچا کے رکھا اب سمجھ میں آیا کہ نزول عیسیٰ ہوگا وہ وقت کیسا ہوگا بخاری کی روایت کہ جب عیسیٰ کیف عیسیٰ نسل عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم وہ وقت ایسا ہوگا جب عیسیٰ نازل ہوں گے مگر تمہارا امام تم میں سے ہوگا عیسیٰ نہیں یہ گواہیاں مکمل ہو گئی بس عزیز و رحمت تمام ہے تو منزل شہادت پر وہی آئے گا
جو انتخاب پروردگار ہو, وہ کتاب و صحیفہ ہو, چاہے وہ نبی ہو امام, بس حفظ ہو. یوں بھی وہ شہید ہیں عالم حیات ظاہری میں, اگر ان میں کوئی راہ خدا میں گلا کٹا دے تو کیوں نہ وہ سادات شہیدا ہو, کیوں نہ وہ سادات شہدا ہو. یہی سبب ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کا لقب دیا جاتا ہے, کہ وہ اپنے عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے جب گلا کٹاتا ہے محبت خدا میں تو وہ مرتے وقت ایک شہید بن جاتا ہے اللہ کی توحید کا. مگر اس شہادت سے اللہ نے اپنے منصب توحید کا اس بات نہیں کیا ہے, بلکہ اگلے صاحبان ایمان کے لیے کہا ہے کہ اس کی راہ پہ چلو تو مرتبہ شہادت دے دیں گے ہم. مگر جو سب سے بڑے شہدا ہیں محمد و آل محمد, اللہ نے ان کی محبت میں مر جانے والے کو کہا مرتبہ شہادت. بس عزیزو ختم ہے. عام مومن بھی اگر محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے, مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ, شریف کی روایت اہل سنت کے بہت بڑے امام امام المفسرین تفسیر کشاف میں چوتھی صدی ہجری کے اس لہجے کی کئی حدیثیں, دوہرانا نہیں ہے وقت نہیں ہے, آل محمد کی محبت میں مر جائے. اور روایت میں حب محمد و آل محمد نہیں ہے بلکہ حب آل محمد ہے. حضور نے اپنا نام ہٹا لیا, وجہ یہ ہے کہ شہادتین پہ کلمے پہ ٹھہر کر کہیں کوئی جنت جانے کے چکر میں نہ ہو, اس لیے اپنے کو ہٹا کے آگ کی قید لگائی ہے کہ میری محبت ہے تو ایمان, مگر معیار علی کی محبت ہے. جب تک ان کی محبت پہ نہ مرو گے مرتبہ شہادت نہیں. کہ وہ شہید ہے کہ جن میں علم کی قید نہیں ہے, اور اگر کوئی عالم اللہ اللہ کے دین کا عالم, اگر کوئی ولایت کا کلمہ سکھانے والا عالم, گھر سے توحید دینے والا عالم, اگر وہ محبت علی پہ مر جائے تو اس کا وہ عام مرتبہ نہیں ہے. شہدا کے لیے کیا کہا, محبت اہل بیت میں جو مرے وہ شہید ہے. مگر ایسے علماء کا مرتبہ ذرا اور آگے ہے کہ دماء العلماء افضل من دماء الشہداء, مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. عالم کے قلم کی سیاہی شہدا کے خون سے افضل ہے. بس عزیزو ختم کر دی زحمتیں. ایک عالم دین کی مجلس ہے جس کی خوشخلقی, جس کا اخلاق, جس کی مروت, جس کے صفات حسنہ نہیں بلکہ جس کے دامن کی بے دادی, اچھے صفات معتبر نہیں ہے بلکہ شخصیت کو معتبر ہے جس میں کم سے کم عیب ہوں, اس لیے کہ بے عیب تو سوا اللہ کے خاص بندوں کے کوئی نہیں ہے. ہم سے بہتر یا ہم سے کم کوئی نہیں جانتا کہ مولانا احمد حسن صاحب کی منزل کیا تھی, ہم موجود نہیں تھے, مگر ہمیں خبر ملی, ہم نے فوٹو دیکھے کہ ایک ہنگامہ تھا, ایک اشتہام تھا جنازے کے اوپر, تدفین تو اگلے دن ہوئی ہے, بیٹے کا انتظار تھا, مگر وہ اشتہام دیکھ کے آنکھوں سے بے اختیار میرے آنسو بہنے لگے کہ ایک عالم دین ایک شریعت کے خاتم کو اتنی محبت مومنین نے دی. ارے کتنے مظلوم تھے وہ آل محمد کے ائمہ کے جو آقایان شریعت تھے, خادمان شریعت کی یہ قدر امت نے کی, قوم نے کی, مگر ان کی قدر کیا کی, بلکہ اجر رسالت میں ایک ذاکر بزرگ کا جملہ کہ اجر رسالت میں اگر عداوت اہل بیت مان لی جاتی
इस उम्मत का इससे भी ज्यादा दुश्मनी और आले मोहम्मद से करनी। अदावतों की इंतहा ये है कि फराइल तो फराइल बल्कि मासूम जिंदगी बर्दाश्त नहीं है। आजीजों यही सबब है कि यह खानदान ही जिंदगी में भी शहीद है और अपनी शहादतों के बाद तो है ही शहीद। यही सबब है कि तौहीद की शहादत के लिए कारवाने इस्मत को समेट के हुसैन मैदान करबला में आ गए और अब ये वो आखिरी सजदा है, ये शहादत तौहीद का सजदा है। जब कोई न रह जाए तो यकता तनहा उस वाहिद और यकता की यकताई के लिए ऐसा सर झुकाएंगे कि रखेंगे तो इख्तियार से मगर उठाया न जाएगा इख्तियार से। एक आलिम दीन की मजलिस पर फकर के उनको याद करके रोने वालों सड़क कर्बला में आके देखो। अरे यहाँ तो मौलाना का बेटा हैदराबाद में था, इंतजार करने की तो मोहलत थी मगर कर्बला में तो सैयद सज्जाद। अरे असरे आशूर हुसैन खुद मिलने आए थे अपने बेटे से और ऐसे जख्मी और तीर लगे कि सज्जाद पहचान न सके। हाँ बेटा मैं ही हूँ तेरा बाप। ए सज्जाद खुदा हाफिज असरार मनसब इमामत वदियत किए। अब जो बच्चे जब सैनब से चारा हिलाया अरे दफ्तर कर्बला हिल रहा है मैदान कर्बला को सलसला हुसैन तौहीद की बुनियाद रखने के लिए सच्चे में सर झुकाए हुए हैं। दरे खैमा पर बच्चे खड़े हैं। अरे सैनब जो अब तक देख रही थी भाई को जब नर गए आदम में हुसैन नजर न आए तो बेख्तियार बाहर आई। जब कहीं से भाई दिखाई न दिया रास्ता न मिला तो बुलंदी पे खड़े होके वो मंजर देखा। जो अल्लाह किसी बहन को भाई का मंजर न दिखाए। बस आखिरी जुमला है आप देखें कि मकसद को पूरा करने के लिए कितने जरा से उठाने वाला अरे गला कटाने वाला रवायात में कहीं न मिला कि हुसैन का सर हिला। दिल मुस्तरिब हुआ कर्बला हिल रही है मगर हुसैन का इत्मीनान काबिले दार था। अल्लाह के लिए भी मगर इसी असना में रिवायत से बताया कि ज़ैनब ने जब ये देखा तो कहा ओए इमामत ने साथ अरे तू क्या खड़ा देख रहा है मेरा माजाया सबा हो रहा है। पर जैसे ही कान में बहन की आवाज आई जो सजदा बैठे आम से सर कटा रहा था इज्जत का मरहला दिल मुस्तर हुआ कोहनी देखी कोशे चश्म से इशारा किया ए बहन मेरी जिंदगी में क्यों निकल आई मुझे फिर आम से सर कटाने ले दो। बस अदादारो ये सब्र हुसैन की आखिरी मंजिल है कि सब कुछ करके भी ना वो सब्र दाश कर सके वो सब्र सैयद सज्जाद। माँ बहनों के खुदे सर और हर दादा मुसीबत से राह फुरकान में सजदे कर करके तौहीद की शफाई। فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله قال عن فتره الرسول وعن تعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم من المتقين وعافي الاخبار. اللهم عجل في فرج من لا مصاح للزمان. آپ رجاس کی مزید گزارش ہے ایک بار پورا فاتحہ کی تلاوت فرمائے اس کا ثواب اور اس مجھے سے ہمارے وسائل اہم رہتے ہیں خاص کا ثواب جناب حضرت اسلام علیہ السلام علیہ نبی الرحمٰن کی صاحب سے بلال اللہ مقام اور ان کی اہلیہ محبوبت ذاکر اہم میچ فاض اللہ مقامہ یہ روح کو تو کوئی ساتھ بسم اللہ الرحمٰن
بسم الله